सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस क्लाइमेट कूल सिस्टम चैनल को, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मीडिया VRF यूनिट है ये। मैं इसकी आपको कैसा ओपन करना है पैनल को वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसका पैनल्स को आपको आगे से आपको कुछ भी स्क्रू नज़र नहीं आते। इसको साइड्स को ओपन कर आपको इसको खोलना पड़ता है पैनल को, और अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फुल डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं इधर लाइन से VRF यूनिट्स हैं, पूरे मीडिया मैक के हैं ये, पूरा मीडिया मॉडल्स के। मैं आपको आप दिखाता हूँ, इधर देख रहे हैं साइड में स्क्रू है। ये शीट्स ओपन करना है आपको सबसे पहले, साइड्स के शीट दोनों साइड सेम ऐसा ही है, ये दोनों स्क्रू रहते हैं। इसको दो स्क्रू ओपन कर आप इसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको देखिए। ये देखिए ऊपर का पैनल ओपन हो गया, हमको नीचे का भी पैनल ओपन करना है डाउन वाला, इसको भी सेम स्क्रू रहते हैं। इसके बाद आपको पूरा कंप्रेसर जो भी इसके अंदर आपको नज़र आएगा। ये देखिए पैनल निकल गया नीचे वाला भी, इसके अंदर कंप्रेसर सब है। ये अंदर एक शीट दिख रहा है, इसके अंदर आपका पूरा सर्किट बोर्ड्स पूरा इसके अंदर ही रहता है, वायरिंग किट पूरा इसके अंदर ही रहता है। इसको थोड़ा स्क्रू ढीला कर ऊपर पुश कर निकाल दीजिए। इधर देख रहे हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, कंडेंसर मोटर है, DC मोटर है ये। इस साइड आपको तीनों साइड आपको कंडेंसर नज़र आ रहा है, और इधर आपको मेन पावर सप्लाई RYB न्यूट्रल, ये मेन पावर सप्लाई है। ये हमारा इन्वर्टर PCB है। इधर नीचे में कम्युनिकेशन वायर्स जो इंडोर से आ रहे हैं वो है। ये मेन मदरबोर्ड है, यानी मेन PCB यही है। इसके पीछे भी PCB है, नोज PCB, और इधर आपको कंडेंसर PCB भी इधर ही नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर है। और इधर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, इधर देखिए ये मेन कंप्रेसर है, ये 14 HP का कंप्रेसर है। इधर आपको दिख रहा है ये पूरा फुल पैक हुक है, और इसके अंदर आपको एक्यूमुलेटर आपको इधर दिख रहा है, एक्यूमुलेटर है ये। इसके बगल में आपको रिसीवर है, और इधर HP स्विच है। इधर ऊपर आपको LP स्विच दिख रहा है, LP स्विच है, और ये सैनलेट वाल भी है इधर ही, और ये सेक्शन वाल है, और ये डिस्चार्ज वाल, ये सर्विस वाल है। इस ये हो गया इधर पूरा कंपोनेंट्स। इसको हम फिर कैसा था वैसा ही बिठा देंगे, जैसा स्क्रू था वैसा ही मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसको फिक्स करना है। Thank you.
मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं वीआरवी सिस्टम्स के बारे में, डाइकिन, ब्लू स्टार, कैसा हम उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग के बारे में, और एरर कोड आने से हम कैसा ये फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसा हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप उसको जाकर आराम से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी तो मेरे चैनल में जाकर आप हमारी वीडियो को आसानी से देखिए। ये देखें, इसको हमने पूरा पैनल को बिठा दिया। बस ये था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स।